पर हर रोज एक या दो लड़की मुसलमान उठा कर ले जाते थे और इसे मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते थे। कौन से शहर की बात बता रही हो आप? पूरे पाकिस्तान में, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये काम हो रहा है। मतलब कि कोई हिंदू का बच्चा या तो लड़का या चाहे कोई भी हो, वो स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो वहाँ अचानक ही मतलब तो बच्चों को भूख लग जाती है या प्यास लग जाता है तो मुस्लिम के ग्लास को हाथ लगा देते हैं तो वो फोड़ देते हैं और उसके पैसे लेते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू ने इसको ग्लास को हाथ लगा दिया, ये काफिरों का हो गया ग्लास, ये पलीत हो गया, अरे इसमें कोई मुस्लिम का लड़का या बच्चा नहीं पानी पिएगा, वैसे करके फोड़ देते हैं और उसके पेरेंट्स को बुला के उसे कहते हैं इसके पैसे दो। और मतलब कि कोई भी हिंदू कहीं भी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाता है तो उसे पहले पूछा जाता है आप कौन हो, वो कह भी देता है कि मैं हिंदू हूँ, तो उसे होटलों पे खाना नहीं खिलाने देते, खाना देते हैं तो फिर उसके हिंदुओं के अलग पार्ट होते हैं वो भी बहुत गंदे और मेले, उसमें हाथ नहीं लगाते, वो कहते हैं आप खुद साफ करो और खाओ, उसमें वो सिर्फ ऐसे करके डाल देते हैं। और कभी मतलब कि कोई बच्चा ठीक नहीं है या तो उसे कुछ हो जाता है, बुखार हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ उस बच्चे को उल्टी हो गई या ये हो गया तो ये पहले पूछते हैं पानी दे सकते हो, आप गिलास है आपका, नहीं कहते हैं तो वो ऐसे करके पानी देते हैं, हाथ से पीना पड़ता है, वो बच्चों को भी हाथ से पीना पड़ता है, जो बुक्की होती है ना ऐसे कह के ऐसे पिलाया जाता है, इतना कुछ मतलब कि हिंदू। तो आप स्कूल में जाते थे तो कई स्कूल जाते हुए भी आपके साथ छेड़छाड़ के इंसिडेंट होते थे? हाँ, स्कूल में भी बहुत से लड़के, मतलब गर्ल और लड़की की स्कूल साथ में ही थी, मतलब पास ही थी, तो वहाँ की लड़कियाँ ना वो हिंदू की लड़कियों को बहुत छेड़छाड़ करते थे तो इसकी वजह से कई चक्कर हो गए, मतलब हिंदू की बहुत सी लड़कियाँ जिसने बहुत बड़ी बड़ी हो गई लेकिन वो स्कूल कभी नहीं गई। हम गए तो यहाँ पापा हमें स्कूल के अंदर छोड़ के आते थे या भैया, और लेने भी आते थे, वो भी बुरका पहन कर छुप कर निकलते थे, तभी हम वहाँ पर थोड़ी बहुत पढ़ाई की वहाँ पाकिस्तान में, और जब हमारी तैयारी तरफ आने लगी तो 2 साल तक मैंने स्कूल अपनी बंद कर दी, मैं बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि पापा ने कहा अगर आप बाहर जाओगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा तो हमारा जाने का फिर प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो। और हम घर में ही रहते थे, कभी भी मतलब किसी कोई भी जो हिंदू की लड़की है पाकिस्तान में वो कभी भी बाहर नहीं निकल पड़ती थी, कभी भी नहीं निकलती थी, लड़के खास करके वो कभी निकल जाते थे, लेकिन जैसे ही पाँच होते थे हर किसी हिंदू के घरों में बहुत बड़े बड़े ताले लगाए जाते थे कि 5 बजे के बाद कोई भी हिंदू का बच्चा बाहर नहीं निकल पाता था। ये ताले कौन लगाता था, वो मुसलमान लगाते थे? नहीं, हम ही लगाते थे लेकिन ताकि कोई अंदर ना आ जाए जी। लेकिन फिर भी जैसे गांव में बहुत से लोगों की, हमारे हिंदू हैं जो, उनकी बहुत चोरी हुई है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी दीवारें थी और जो कंडे की लगी हुई थी दीवारें उनके अंदर से टपके आ जाते हैं और सबकी चोरी कर लेते हैं, जैसे अंदर कोई भैंसे हैं, गाय हैं, किसी के बकरे वो ले जाते हैं, उन्हें मतलब पीटते भी हैं बहुत जोर जोर से, और लड़कियां देख लेते हैं उसे उठा कर ले जाते हैं साथ में, अगर उसी बात को जब किसी पुलिस के पास जाए पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो खुद ये कहती कि देखो आपकी लड़की ने इस्लाम कबूल नहीं कर लिया इसे हम दोबारा काफिर नहीं बनाएंगे जी। और वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई हैं जैसे किसान हैं उनसे खेती बाड़ी तैयार करवा के बेचने के टाइम पर छीन लेते हैं, उनका हक नहीं मिलता, उसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप सिर्फ रोटी खाकर जीवित रहो, इतना ही आप लोगों का काम है, ज़्यादा हमसे आगे बढ़ने की मत कोशिश करो, नहीं तो इतना बुरा अंजाम करेंगे कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहु बेटियों की तो मतलब इज्जत पर बहुत कीचड़ उछाला जाता था वहाँ पर, उनके पास कुछ भी पैसे होते ना उसे अगवा करके ले जाते हैं, इसे अंकल जी के पास मतलब के पैसे होते थे और अगवा करके ले गए, फिर 35 लाख मांगा, फिर 35 लाख नहीं थे तो 6 लाख में उसको देकर फिर चुराया डॉक्टरों के पास, और इसके मतलब के ससुर है पता नहीं उसके पास थोड़ा सा पैसा दे दिया मुसलमानों ने, उसे भी अगवा करके ले गए, उससे भी पैसे मांगे, फिर उसे पैसे देकर फिर चुराया। बोलिए। हमारे को पकड़ के जो ले गए थे 2 महीना उधर थे हम, क्या किया आपके साथ? 2 महीना जंगल में थे, 3 लाख दे के उधर से छुटे, 2 महीना उधर थे, फिर उधर घर से आए, घर में आ गए, घर में थे 2, 7, 8, 10, 12 आदमी पड़ के और हमारे को बांध के कोठी में डाल दिया, कोठी में डाल के फिर हमारा जो गया गट्टा था पैसे पाए सब लूट के और ले गए, हमारे को छोड़ा कुछ भी नहीं, अब तो हम हैं बस पैसे सवा हैरान हैं, कुछ भी नहीं है, अब क्या करें हम, उधर से भाग के इधर आ गए, अब तुम्हारी मर्जी जैसे हो तुमको हो से होगा, हमारे को कहाँ कहाँ जमीन मिले, बेचने की जगह हमारे को मिले,
परेशानी हम बहुत परेशानी है, अगर तुम्हारी मर्जी है आए हम अपने मुल्क में, तुम्हारी मर्जी है, बहुत तकबीर करके हमको इधर आए हैं, वह तुम्हारी मर्जी है, यही बात है और तुम्हारी मर्जी है।